क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, प्रज्ञान ओझा, मनप्रीत सिंह गोनी आज उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर बाबा का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने तीनों खिलाड़ियों का स्वागत भी किया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के चलते कई टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में आमने सामने मैच खेल रही है। इसी के चलते टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी भी मैच खेलने इंदौर पहुंचे हैं। कल टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मैच होना है, इसके पूर्व आज टीम इंडिया के खिलाड़ी सुरेश रैना, मनप्रीत सिंह गोनी, प्रज्ञान ओझा उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेका। इस दौरान गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। अनिल फिरोजिया ने इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार के समीप तीनों खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान किया। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से उनकी भेंट हुई थी, वह भी बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने जल्द ही पहुंच सकते हैं। आरती के पश्चात सभी समाजजनों ने महाप्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी नंदकिशोर जी, मोहन लाल जी, मदन लाल जी, कांति लाल जी, राजेंद्र जी, मुरली जी, युवा मंच के संरक्षक अरुण जी भगवान, राजेश जी, हेमंत जी, बाबू भाई, चंदन जी, सुनील जी, अनिल जी, दीपक जी, गुड्डू जी, राहुल जी, धर्मेंद्र जी, सचिव सूरज जी, जितेंद्र जी, संजीव जी, रवि जी, रत्नेश जी, भावेश आनंद, समाज के वरिष्ठ महिला मंडल सदस्य एवं युवा मंच के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सचिव अरुण पांचाल द्वारा किया गया एवं आभार युवा मंच सचिव सूरज पांचाल द्वारा किया गया। और हमारे इंटरनेशनल भारत के खिलाड़ी सब यहाँ मैच खेलने इंदौर आए हैं और आज बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मैंने सुरेश रैना जी और प्रज्ञान ओझा जी सबको निवेदन करा था कि आप बाबा महाकाल की नगरी है, दर्शन करना है। और उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त करी थी कि हाँ, हमको दर्शन करना है। तो वह आज बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे इंदौर रोड महामृत्युंजय द्वार पे मैंने उनका स्वागत करा है और वो अभी बाबा महाकाल के दर्शन करने गए।